नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लकी स्टैम। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इन्फिनिक्स 035G के बारे में, जो कि इन्फिनिक्स ने इसको लॉन्च तो कर दिया बट ये अभी तक ऑर्डर नहीं हो पा रहा, यानी कि अभी तक इसको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं किया है जिससे कि ये परचेस हो सके। ठीक, सो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अवेलेबल होगा आप इसको परचेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफाई का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इसका हम रिव्यू करते हैं कि आखिर इस समय में आपको क्या क्या देखने को मिलता है जिससे कि ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी खास और शानदार हो सकता है। सो सबसे पहले इसकी आप डिजाइन देख सकते हैं, काफी आपको इसकी प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाती है, जो कि इन्फिनिक्स के तरफ से एक काफी शानदार फोन यहां पे मार्केट में लाया गया है। सबसे पहले यहां पे एक चीज आप केयर करेंगे कि जो इसका डिस्प्ले आप देखने को मिलता है वो आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, और जो इसका फ्रंट कैमरा है आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हालांकि आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उन सभी में आपने केयर किया होगा कि सभी में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहे हैं, जिसकी प्राइस यदि 20,000 से प्लस जाती है तो। ठीक, सो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं कि जो बैक साइड का लुक है काफी आपको प्रीमियम देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो ये सेटअप करा गया है काफी शानदार आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं बैक साइड में, जो कि यहाँ पे काफी शानदार और अच्छे कैमरे दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट यहाँ पे काफी तगड़ा और बड़ा दिया गया, यानी काफी प्रकाश यहाँ पे करने वाला है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर इसका जो फ्रंट कैमरा यानी कि जो इन डिस्प्ले इसका कैमरा दिया गया वो कितने एमपी का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको 50 MP का आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि इससे पहले जो आपने फोन देखा था वीवो V29e उसमें आपको 50 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिला था, उसके बाद आपको इसमें देखने को मिला, यानी कि उसी के टक्कर में ये फोन बनाया गया है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फोन आपको लेना है, हु इज द बेस्ट फॉर यू। फ्रेंड्स यहां भी देख सकते हैं कि जो इसका बैक कैमरा आपको देखने को मिलता है वो यहां पे आपको 108 MP प्लस 13 MP का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो चार्जर है 67 वाट का चार्जर प्लस 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस ये जो फोन है आपको 5G पावरफुल प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी आपको शानदार देखने को मिल जाती है, तो सो आप इसको डिसाइज कर सकते हैं। जो इसकी प्राइस है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हैं कि 24,999 रुपीज़ की प्राइस रखी गई है, और जो इसका रैम है 8 GB और 12 GB दोनों में अवेलेबल है। यदि यहाँ पे आप 8 GB करते हैं तो 23,999 रुपये हो जाता है, वहीं यदि 12 GB करते हैं तो 24,999 रुपये तक यहाँ पर इसकी प्राइस हो जाती है। ये आपको दो कलर में आपको अवेलेबल है। पहला कलर है यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्डन हॉर, और दूसरा जो है यहाँ पे रोम ग्रीन। आपको दो कलर में यहाँ पे इसको देखने को मिल जाता है। जो इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है डिस्टिनी 8020 का आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, ओक्टा कोर 2.6, यानी काफ़ी तागड़ा इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। इससे पहले जो वीवो V29 का फ़ोन आया उसमें आपको 2.2 का मिला है, बट यहाँ पे 2.6 GHz यानी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर आपके साथ इसमें देखने को मिल जाता है। हालांकि मैंने जो इसमें जिक्र किया जो इसका रियर कैमरा वो 108 MP प्लस 13 MP प्लस जो छोटा वाला कैमरा आपने देखा वो वहाँ पे 2 MP का आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा तो आपको बता ही देगा 50 MP का मिलता है। उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि 6.78 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिलती है, जो कि 60 डिग्री तक की कर्व डिस्प्ले आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये जो फोन है आपको फुली 5G आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको डॉल्बी एटम्स मिलते हैं, यानी कि आपको दो स्पीकर मिलेंगे नीचे और एक ऊपर, जो कि काफ़ी शानदार आपको ऑडियो देंगे। जैसे आप उसके बजाएंगे तो काफ़ी ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से घूम घूम के आवाज़ उसमें आ रही है। और इसमें हमने को बताया कि इसमें आपको गोरिल्ला 5 का इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि स्क्रीन इसका काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या मिलता है। हालाँकि हमने सब कुछ इसमें जिक्र कर लिया, इनबॉक्स आपको क्या क्या मिलता है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको मिलता है हैंडसेट अडाप्टर, USB केबल सी टाइप एंड शॉर्ट फिल्म, यानी कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको मतलब एक जो पन्नी करके आती है वो आपको सेफ्टी के साथ पहली बार दिया जाएगा। उसके बाद TPU केस, यानी कि आपके फ़ोन के लिए केस भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपने फ़ोन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद सिम इंजेक्टर, पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सब चीज़ें नहीं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ़ोन है आपको एंड्रॉइड 30 पर रन करता हुआ मिलेगा, और प्रोसेसर तो हमने इसमें डिस्कस कर ही लिया हुआ है। ठीक, उसके अलावा और कुछ इसमें तो है नहीं, सारा का सारा चीज़ इसमें हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। यानी कि ये फ़ोन को यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें और कॉमन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है 75.03 mm की आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है, प्लस जो इसकी हाइट है आपको 164.51 mm की आपको इसकी लंबाई मिल जाती है, प्लस यहाँ पर जो इसकी मोटाई
7.9 mm की इसकी मोटाई मिल जाती है। तो आप इस फ़ोन को चाहें तो परचेस कर सकते हैं। काफ़ी शानदार ये फ़ोन मार्केट में आया है, जिसकी इस बजट में आपको 12 GB रैम के साथ 66 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है। तो आप इसको चाहें तो परचेस कर सकते हैं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कौन से फ़ोन पर वीडियो चाहिए ये भी बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।